के उत्तरकाशी में चारों धाम की यात्रा पर गए हुए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थयात्री बस का संतुलन बिगड़ने से वो 200 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिसमें छतरपुर के विजावर क्षेत्र की महिला भी शामिल है। उत्तराखंड सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी तीर्थयात्रियों के शवों को बाहर निकालकर देर शाम विमान से खजुराहो एयरपोर्ट भेजा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जिला कलेक्टर संदीप जी आर, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और जनप्रतिनिधियों ने सोमवार देर शाम खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचकर तीर्थयात्रियों के शवों को सुरक्षित एम्बुलेंस वाहन से उनके गृह ग्राम रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थयात्रियों की दुखद मृत्यु पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सभी मृतक तीर्थयात्रियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे एवं गंभीर घायलों को 50,000 रुपयों की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो वहीं दूसरी ओर गहन दुख व्यक्त करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के शवों को उनके गृहग्राम सुरक्षित भिजवाने के निर्देश भी दिए थे, जिस पर विशेष विमान से सभी यात्रियों के पार्थिव शरीर को खजुराहो एयरपोर्ट लाया गया और वहां से सुरक्षित उनके गृहग्राम को भेजा गया। इस अवसर पर छतरपुर एवं पन्ना जिले का प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। विराट 24 न्यूज के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। यहां पे 25 के व्हीकल्स के द्वारा हम लोग आज रवाना हुआ है, श्रद्धांजलि दिया है यहाँ से। उनको अपने आधिकारिक टीम भी यहाँ से गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यहाँ पे उन सबको रिसीव करके उन सबको अपने अपने क्षेत्र में अभी रवाना किया है और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और पूरी घटनाक्रम जानना चाहेंगे। आज मन बहुत भरा हुआ है कि अपने संसदीय क्षेत्र के 25 लोग जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पर गए थे और तीर्थ यात्रा करते समय यात्रा के दौरान दुखद दुर्घटना में एक बहुत गहरी खाई के अंदर बस गिर गई, उसमें 25 हमारे ऐसे वरिष्ठ लोग, उनका दुखद निधन हो गया। 3 लोग उस घटना में बचे हैं और उनका बेहतर इलाज उत्तराखंड के अंदर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार वो उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो उसकी चिंता करते हुए जल्दी ही ठीक होकर के आएंगे। 25 जो हमारे भाई बंधु थे अपने इस क्षेत्र के, उन सबको लेकर के आज यहाँ पर आए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ के प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने रेस्क्यू ऑपरेशन रात में इतने घोर कठिन परिस्थिति के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उन सबको बाहर निकाल करके उनके घरों तक, परिजनों तक उनके सब ठीक से पहुंच जाएं, ये प्रयास सबने मिलकर के किया और उनके घरों पर अभी सभी लोग यहां पर खजुराहो एयरपोर्ट पर करके देश उनको पहुंचा पाए और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है, रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था, घायलों से मैंने बातचीत की, डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की, मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी, 50,000 रुपए की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हूँ। घटना के तत्काल बाद मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने राहत और बचाव के काम प्रारंभ कर दिए थे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, उन्होंने लगातार घटना के बाद चिंता की कि कैसे राहत और बचाव के काम ठीक हो, और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने रात को भी मुख्यमंत्री जी से बात की, NDRF की टीम
भेजने का काम किया। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। मैं समझता हूं युद्ध स्तर पर मरीजों को भी यहां पहुंचाया गया और जो तीर्थयात्रियों के पार्थिव शरीर थे उनको भी निकाला गया। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो यहां सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं। सर, जो परिजन है क्या उनके जो परिजनों को सूचना दे दी गई है? परिजनों से हमारी रात से ही लगातार बातचीत हो रही है और हमारे लगातार संपर्क में है।